9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड इंडिया के 27 स्टेट के रूप में फॉर्म हुआ था, जब इस राज्य को उत्तर प्रदेश से अलग करके एक इंडिविजुअल स्टेट के रूप में फॉर्म किया गया था। उत्तराखंड हिमालयन माउंटेन रेंजेस में सिचुएटेड एक हिली स्टेट है। ये नॉर्थ में तिब्बत और ईस्ट में नेपाल के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है। वहीं इसके नॉर्थ वेस्ट में हिमाचल प्रदेश और साउथ में उत्तर प्रदेश सिचुएटेड है। नेचुरल रिसोर्सेज से रिच ये स्टेट अपने कई ग्लेशियर्स, रिवर्स, डेंस फॉरेस्ट, स्नो क्लैड माउंटेन पीक्स और मैसिव वाटर सोर्सेज के लिए जाना जाता है। वहीं उत्तराखंड को देवभूमि यानी गॉड्स लैंड का दर्जा भी प्राप्त है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री जैसे अनेक धार्मिक स्थान इसी राज्य में स्थित हैं। साथ ही यहाँ मौजूद शिवालिक हिल्स और ग्लेशियर से कई रिवर्स ओरिजिनेट भी होती हैं। यहाँ की हिल्स डायरेक्टली माउंट कैलाश जैसे माउंटेन से कनेक्टेड है, इस वजह से यहाँ से बहने वाली नदियों में साल भर पानी बहता रहता है। यही कारण है कि उत्तराखंड से बहने वाली रिवर्स सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं बल्कि देश के दूसरे राज्यों के लिए भी ड्रिंकिंग वाटर, इरिगेशन और पावर जनरेशन का मेजर सोर्स है। दोस्तों, आज के इस वीडियो डिस्कशन में हम उत्तराखंड की इन्हीं इंपॉर्टेंट रिवर्स की चर्चा करेंगे और इन रिवर्स से जुड़े हर महत्वपूर्ण पहलू को आपके साथ साझा करने का प्रयास करेंगे। लेकिन अपने वीडियो डिस्कशन को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी और उत्तराखंड के सभी एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, यूपीएससी की तैयारी फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल के जैसे होती है। जीत दर्ज करी तो पूरी दुनिया आपके लिए शोर मचाती है, पर कोई ये नहीं जानना चाहता कि उस टीम के हर एक खिलाड़ी ने न जाने कितने वक्त पहले से उसे एक मैच के लिए तैयारी करनी शुरू कर दी थी, उसे एक मैच के लिए कितना त्याग करा। जितनी जल्दी एक खिलाड़ी अपने गोल को तय करके तैयारी करने लग जाता है, उतना ही ज्यादा वो खिलाड़ी अपने फाइनल मैच में रेडी रहता है। एंड सेम गोज विथ यूपीएससी। आप जितनी जल्दी तैयारी चालू कर देंगे, आपके पास एक अपर हैंड होगा एग्जाम की कॉम्प्लेक्सिटीज को उतने ही अच्छे से टैकल करने का। और इसी अपर हैंड को प्रोवाइड कराने के लिए स्टडी आईक्यू लेकर आया है साल की आखिरी और सबसे बड़ी सेल को, जिसके अंतर्गत आपको 2024 के लिए पहला यूपीएससी प्री प्लस मेंस लाइव फाउंडेशन बैच मिलेगा मात्र और मात्र 17,499 की सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। ये सेल 31st of December तक वैलिड है। तो हिमालय की गोद में बसे होने के कारण उत्तराखंड में अनेक छोटी बड़ी नदियों का उद्गम होता है। इनमें से कई नदियां अपने धार्मिक महत्व यानी रिलीजियस इंपॉर्टेंस के लिए जानी जाती हैं, तो कई नदियां अपने नेचुरल बायोडाइवर्सिटी के लिए। वेद पुराणों में मेंशन इन रिवर्स का रिलीजन के साथ साथ सोशल और इकोनॉमिकल सिग्निफिकेंस भी है, क्योंकि अगर इनमें से कुछ नदियों के किनारे होली साइट्स और सेक्रेट श्राइन्स मौजूद हैं, तो कुछ के किनारे प्रदेश के महत्वपूर्ण शहर। तो उत्तराखंड में बहने वाली ज्यादातर रिवर्स का फ्लो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है, जो इस भूभाग की भौगोलिक यानी ज्योग्राफिकल टिल्टनेस को रिप्रेजेंट करती है। आइए एक एक करके उत्तराखंड की सभी इंपॉर्टेंट रिवर्स को डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। तो सुभागीरथी रिवर उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है। ये गंगा रिवर की दो मेन हेड स्ट्रीम्स में से एक है। भागीरथी रिवर उत्तराखंड में गंगोत्री और खाटलिंग ग्लेशियर बेस से 19 किलोमीटर दूर गौमुख नाम के स्थान से ओरिजिनेट होती है। इस ओरिजिन पॉइंट का नाम गौमुख इसलिए पड़ा क्योंकि यह सोर्स गाय यानी काऊ के मुख की तरह दिखाई देता है। अगर भागीरथी रिवर की लेंथ की बात करें तो ये 205 किलोमीटर लंबी है। इस नदी की अनेक ट्रिब्यूटरीज हैं, जिनमें से केदार गंगा, जात गंगा, ककोरा, जलंधरी, सियान, उसी गंगा और भिलंगना अहम है। भागीरथी और केदार गंगा का मिलन गंगोत्री के पास ही होता है। वहीं जात गंगा भैरव घाटी नाम की जगह पर भागीरथी में मर्ज हो जाती है। इसके बाद जलंधरी नदी का भागीरथी से मिलन हरसिल और सियान नदी का भागीरथी से मिलन झाला नाम के स्थान पर होता है। अंत में असी गंगा का उत्तरकाशी और भिलंगना का ओल्ड टिहरी के करीब भागीरथी में मर्जर हो जाता है। भागीरथी का बेसिन 6921 स्क्वायर किलोमीटर का है और इसके हाईएस्ट बेसिन पॉइंट को चौखंबा वन कहा जाता है। भागीरथी रिवर पर मनेरी, जोशियारा और कोटेश्वर जैसे अनेक इंपॉर्टेंट डैम्स लोकेटेड हैं, लेकिन इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है टिहरी डैम। दोस्तों, टिहरी डैम की हाइट 216 मीटर है। ये डैम वर्ल्ड का फिफ्थ हाईएस्ट डैम माना जाता है। इस डैम से 2400 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। वहीं ये डैम दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को 120 करोड़ लीटर ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई भी करता है। उत्तराखंड में भागीरथी का इंपॉर्टेंट रिलीजियस सिग्निफिकेंस है।
ये नदी केदारनाथ से होकर बहती है, जो हिंदुओं के सबसे पवित्र धामों में से एक माना जाता है। ऐसे में केदारनाथ के दर्शन को आने वाले श्रद्धालु इसमें डुबकी लगाकर अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं। भागीरथी अपने सफर की शुरुआत गौमुख से करते हुए अपने अंत में देवप्रयाग नाम के स्थान पर अलकनंदा से मिल जाती है। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया, भागीरथी गंगा रिवर की दो मेन हेड स्ट्रीम्स में से एक है, जो वाइडली नोन द गंगा रिवर को फॉर्म करती है। दूसरी मेन हेड स्ट्रीम है अलकनंदा रिवर। दोस्तों, अलकनंदा संतोपद ग्लेशियर और भागीरथी खारक ग्लेशियर के कॉन्फ्लुएंस से ओरिजिनेट होती है। अलकनंदा रिवर की टोटल लेंथ करीब 195 किलोमीटर है और यह रिवर गढ़वाल डिवीजन के चमोली, रुद्रप्रयाग और पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरती है। आगे चलकर ये देवप्रयाग में भागीरथी रिवर से मिलती है और यहाँ से ये दोनों नदियां गंगा रिवर के रूप में जानी जाती है। देवप्रयाग में अलकनंदा के स्ट्रीम का कलर लाइट ब्लू और भागीरथी रिवर का लाइट ग्रीन नजर आता है। ऐसे में इस जगह पर दोनों स्ट्रीम का ये कॉन्फ्लुएंस पॉइंट काफी खूबसूरत नजर आता है। अलकनंदा रिवर की 5 मेन ट्रिब्यूटरीज हैं, जो गढ़वाल रीजन में 5 डिफरेंट प्लेसेस पर ज्वाइन होती हैं और पंचप्रयाग बनाती हैं। विष्णुप्रयाग में धौली गंगा, नंदप्रयाग में नंदाकिनी रिवर, कर्णप्रयाग में पिंडारी, रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है। अलकनंदा का फुल बेसिन 10,882 किलोमीटर्स का है। वहीं इस रिवर पर 6 हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स ऑपरेशन में है, 8 डैम्स अंडर कंस्ट्रक्शन और 23 हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स प्रपोज्ड हैं। भागीरथी की ही तरह अलकनंदा रिवर का भी काफी रिलीजियस इंपॉर्टेंस है। इस रिवर का एंशियंट नाम विष्णु गंगा माना जाता है। हिंदू रिलीजन का अहम तीर्थ स्थल बद्रीनाथ इसके तट पर ही स्थित है। ये जगह नर और नारायण नाम के दो माउंटेन रेंजेस और नीलकंठ पीक से घिरा हुआ है। दोस्तों, काली रिवर उत्तराखंड की मेन रिवर्स में से एक है। ये पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के लिपुलेक के पास कालापानी नाम की जगह से ओरिजिनेट होती है। इस रिवर का नाम हिंदू गॉडेस माता काली के नाम पर पड़ा है। जहां से ये रिवर ओरिजिनेट होती है, वहां लिपुलेक पास के निकट माँ काली का एक मंदिर बना है, जो कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पर सिचुएटेड है। काली रिवर इंडिया और नेपाल के बॉर्डर लाइन को डिटरमाइन करती है। उत्तराखंड के बाद ये उत्तर प्रदेश में एंटर कर जाती है और टनकपुर से इसे शारदा रिवर के नाम से जाना जाता है। ये नदी उत्तर प्रदेश के सीतापुर के पास घाघरा रिवर से जाकर मिल जाती है। उत्तराखंड में काली रिवर की टोटल लेंथ 225 किलोमीटर है। अगर हम काली रिवर की ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो ये है पूर्वी धौली गंगा, गौरी गंगा, लोहावती, लदिया और सरयू नदी। दोस्तों, धौली गंगा रिवर गंगा रिवर के 6 सोर्स स्ट्रीम्स में से एक है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में 2 धौली गंगा हैं, एक गढ़वाल रीजन में और दूसरी कुमाऊं रीजन में। गढ़वाल रीजन की धौली गंगा देववन ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है और विष्णुप्रयाग पर यह अलकनंदा से जाकर मिलती है। इस बीच ये टोटल 94 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है। इस रिवर की कई छोटी ट्रिब्यूटरीज हैं, जिनमें परला, कामत, जयंती, अमृत गंगा तथा गिरथी नदियां शामिल हैं। वहीं उत्तराखंड में सेकंड धौली गंगा कुमाऊं डिवीजन से होकर गुजरती है। ये रिवर कोवन खाना ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है और तवा घाट नाम की जगह पर काली रिवर से मिल जाती है। इस रिवर की टोटल लेंथ 91 किलोमीटर है। इस रिवर पर पिथौरागढ़ में हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट डैम बना हुआ है। गंगा इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर होने के साथ साथ सबसे पॉपुलर रिवर भी है। धार्मिक ग्रंथों में इस नदी का जिक्र हर जगह देखने को मिलता है, जिसके चलते गंगा को सबसे पवित्र नदी माना जाता है। यह अलकनंदा और भागीरथी के कॉन्फ्लुएंस से निकलती है और हरिद्वार के प्लेन से होते हुए उत्तर प्रदेश में एंटर करती है। वैसे तो गंगा की टोटल लेंथ ऑलमोस्ट 2,525 किलोमीटर है, लेकिन उत्तराखंड में ये सिर्फ 96 किलोमीटर का सफर तय करती है। गंगा रिवर की कई अपस्ट्रीम्स हैं, जिनमें 6 मेन स्ट्रीम्स हैं। ये मेन स्ट्रीम अलकनंदा, भागीरथी, मंदाकिनी, धौली गंगा, पिंडार और नंदाकिनी है। उत्तराखंड में गंगा पर अनेक हाइडल प्रोजेक्ट्स लोकेटेड हैं, जैसे उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में NTPC यानी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन का लोहारीनग पाला हाइड्रो प्रोजेक्ट, जोशीमठ डिस्ट्रिक्ट में तपोवन विष्णुगढ़ और लता तपोवन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट एक्सेट्रा। दोस्तों, हिंदू धर्म में जो महत्व गंगा का है, वही महत्व यमुना का भी है। यमुना को सूर्य और क्लाउड गॉडेस सांझा की पुत्री और गॉड ऑफ डेथ कहे जाने वाले यम की ट्विन सिस्टर कहा जाता है। ये रिवर गंगा की ही लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, जो उत्तराखंड में बंदरपूंछ माउंटेन के यमुनोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है। वहीं ये नदी प्रयागराज में जाकर समाप्त हो जाती है, जहां इसका संगम गंगा में हो जाता है। यमुना की टोटल लेंथ 1376 किलोमीटर है। वहीं उत्तराखंड में इसकी लंबाई 136 किलोमीटर है।
उत्तराखंड में ये उत्तरकाशी और देहरादून से होकर गुजरती है और हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर डिटरमाइन करती है। वहीं उत्तराखंड में यमुना रिवर के ट्रिब्यूटरीज हैं जिनमें टोंस, ऋषि गंगा, हनुमान गंगा, कमल गंगा अहम है। दोस्तों यदि टोंस रिवर की बात करें तो ये उत्तराखंड में यमुना रिवर की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। दरअसल बंदरपूंछ माउंटेन के स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर से ओरिजिनेटेड सुपेन रिवर और हिमाचल प्रदेश के डोडरा क्वाल रीजन से ओरिजिनेटेड रूपेन रिवर उत्तराखंड के उत्तरकाशी में नेटवार्ड नाम की जगह पर मिलती है। ये दोनों नदी यहाँ से मिलकर आगे बढ़ती हैं तो कुछ दूर तक तमसा रिवर कहलाती हैं और उसके बाद ये टोंस रिवर के नाम से जानी जाती हैं। टोंस रिवर देहरादून में कालसी नाम की जगह पर यमुना रिवर से मिल जाती है। इस रिवर की टोटल लेंथ 148 किलोमीटर है। उत्तराखंड में टोंस रिवर पर इछारी डैम बना हुआ है। गौला रिवर उत्तराखंड के कुमाऊं डिस्ट्रिक्ट में हल्द्वानी तहसील की बिगेस्ट रिवर है। ये पहाड़ पानी के पास भीड़ा पानी की वैली से ओरिजिनेट होती है। उसके बाद ये भीमताल और सात ताल की लेक से आने वाली छोटी नदियों से मिलके एक और बड़ा रूप ले लेती है। ये कठगोदाम, शाही और हल्द्वानी जैसे शहरों से होकर गुजरती है और किच्छा नाम की जगह पर रामगंगा रिवर से मिल जाती है। इस नदी की कुल लंबाई 103 किलोमीटर है। कोसी रिवर उत्तराखंड में कौसानी हिल्स पर सिचुएटेड धारपानी धार से ओरिजिनेट होती है। ये रामगंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी है और रामगंगा के ईस्ट में उसके पैरेलल अल्मोड़ा और नैनीताल के रामनगर में प्लेन्स में इंटर होती है। उसके बाद उधम सिंह नगर होते हुए उत्तर प्रदेश में रामपुर के पास रामगंगा रिवर में मिल जाती है। कोसी रिवर को लोकल लेवल पर कोसिला भी कहा जाता है। इसके किनारे सोमेश्वर, अल्मोड़ा, ख्वारब, खैरान, गर्म पानी, बेताल घाट, गर्जिया, रामनगर और सुल्तानपुर शहर बसे हुए हैं। वहीं कोसी रिवर की कई ट्रिब्यूटरीज हैं जिनमें देवगाड़, मिनोलगाड़ और सुमालीगाड़ खास हैं। दोस्तों रामगंगा रिवर उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट के दूधातोली माउंटेन के वाटरशेड एरिया से ओरिजिनेट होती है। वहीं ये उत्तर प्रदेश के कन्नौज डिस्ट्रिक्ट में जाकर गंगा रिवर से मिल जाती है। इस दौरान टोटल 596 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है। वहीं उत्तराखंड में इसकी लेंथ 155 किलोमीटर है। रामगंगा उत्तर प्रदेश में बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में कालागढ़ फोर्ट के पास प्लेन्स में एंटर करती है। उत्तराखंड में रामगंगा रिवर की ट्रिब्यूटरीज बिरमा, गागस और बिनो हैं। वहीं इस रिवर पर उत्तराखंड में कालागढ़ डैम बना हुआ है। तो उत्तराखंड में रामगंगा ईस्टर्न भी है जो कुमाऊं रीजन में बहती है। ये गौमुख से ओरिजिनेट होती है और रामेश्वरम में ये सरयू रिवर में जाकर मिल जाती है। इसकी टोटल लेंथ 108 किलोमीटर है। ईस्टर्न रामगंगा के रीजन को शीरा दिदिहट कहा जाता है। मंदाकिनी रिवर अलकनंदा की ट्रिब्यूटरी है। इस नदी का ओरिजिन पॉइंट केदारनाथ के पास चोराबाड़ी ग्लेशियर है। वहीं ये रुद्रप्रयाग में अलकनंदा रिवर में जाकर मिल जाती है। इस दौरान ये टोटल 72 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है। रेनी सीजन में ये काफी वायलेंट हो जाती है और इससे जान माल का काफी नुकसान होता है। इस नदी पर मंदाकिनी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का निर्माण किया गया है। तो दोस्तों ये था उत्तराखंड के रिवर का एक छोटा सा एनालिसिस। अगर आपको ऐसे ही दूसरे स्टेट के रिवर्स के बारे में जानना है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो में हमने मेजर रिवर्स कवर करी हैं। अगर आप स्पेसिफिकली किसी पर्टिकुलर रिवर के बारे में जानना चाहते हैं तो वो भी आप नीचे बता सकते हैं। इसी के साथ अपने वीडियो डिस्कशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने वीडियो के पहले भाग में बताया था, इस वीडियो की इम्पोर्टेंस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा है। तो उस इम्पोर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। द क्वेश्चन इज, रिवर सिस्टम ऑफ उत्तराखंड हैज अ ह्यूज पोटेंशियल टू फुलफिल energy demands of the neighboring states. Discuss the important river system of Uttarakhand with special emphasis on Haidal project potential. And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो दोस्तों के साथ साझा करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।